तर जो मरीज आपके ओ में मेरे पास आता है वो ज्यादातर बालों के इशू के साथ ही आता है hmm. बाद में भी उसे ख्याल आता है कि मैं डॉक्टर साहब को मिलाऊँ तो मुझे तो पता लगे स्किन भी होती है इसका भी ख्याल रखना होता yeah. है man, like, like, यार, <laughs> असान, असान जो हमारा फ्रेंड है आसान <laughs> जितना मुझे डोला मिल सकता है अगर मैं आपको बचा और बोलूँ कि यार अठारह इंच करते हैं आपकी ये जो खूबसूरती या फिर अपना ख्याल रखना ये सिर्फ एक खातन का काम नहीं है ये मेरे लजरात का भी काम है ये सच है कि आपकी नाना के साइड से बिल्कुल <laughs> सच <साथ> है, <laughs> है? <laughs> ये तो मैं बचपन से <laughs> सुनता आ रहा हूँ थे तो तेरे पास बाल <laughs> अच्छा स्किन ऑयली है जो की मेरे ख्याल आप है आपकी डाइट से आपके बाल गिरते हैं बिल्कुल ओ डाइट एवरीथिंग तो मर्द जो है ना ना क्रीमी लगाता है ना अपने बाल ठीक कर और अगर करता है तो छुप के करता है किसी hmm. को बताता नहीं है एक स्टिग्मा है ना जनरली मैं तो इस तरह भी देखा है कि लोग मर्दों को डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं एक्सपेक्ट करते राइट बिल्कुल right? बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट वेलकम टू हाउ वर्क दिस पॉडकास्ट इज पावर्ड बाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी आज हमारे बहुत खास मेहमान हैं ही इज़ अ डॉक्टर ही इज़ एन एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट मोसेन कारी साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट आई थिंक आई सेड द नेम रॉन्ग अगेन नो 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 इट्स कंप्लीटली फाइन इट्स मोसेन कायरा कायरा सो आई नो इट्स अ वेरी ट्रिकी सरनेम बट इट्स कंप्लीटली फाइन आई वाज नेवर गोना गेट दैट वन राइट पूरी दुनिया में व्हेनेवर आई ट्रैवल टू आधे टाइम पे

मतलब मैंने फेस वॉश ना डॉक्टर फजीला दिस पॉडकास्ट उनसे बात करने के बाद शायद पहली दफ़ा तो जिंदगी में फेस वॉश यूज़ की थी क्योंकि अच्छा। तो मुझे मैंटली ये बताया गया है कि मर्द जो है ना है? ना अपनी शक्ल के साथ कुछ करता है ना अपने बालों के साथ करते वो आए लोग वे आए लोग लेकिन द प्रॉब्लम विद दैट इज कि हमें इस तरह बताया गया कि यार अगर तू मर्द है मर्द है तो मर्द जो है ना ना क्रीमे लगाता है ना अपने बाल ठीक कर और अगर करता है तो छुप के करता है किसी को बताता नहीं है एक स्टिग्मा है ना आप एक बहुत स्टिग्मा वाली फील्ड में काम करते हैं एंड एंड जनरली मैं तो इस तरह भी देखा है कि लोग मर्दों को डर्मेटोलॉज नहीं एक्सपेक्ट करते हैं आपकी इंडस्ट्री में ज्यादा औरतें होती हैं ज्यादा हमारे से पूछा भी जाता है नेशनल इंटरनेशनल नॉट इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसिस पूछा भी जाता है अच्छा डॉक्टर साहब आप तो यू आर फ्रॉम सो एंड सो फैमिली आप डर क्यों बने

इस एरिया में बॉल्नस मेल पैटर्न बॉन्स का बहुत इशू है तो सबसे पहले मरीज आपका उसके साथ आएगा hmm. फिर मैन यू कंसल्ट विद योर पेशेंट और आप उससे यह बात बताते हो कि ये जो ख़ूबसूरती या फिर अपना ख्याल रखना यह सिर्फ एक खवीन का काम नहीं है यह मेरा का भी काम है सो दैन दे दे लिसन टू यू एंड देन दे ट्राई टू फॉलो द अदर दजीम स्किन रजीम एज वेल लेकिन मोस्ट मोस्ट प्रॉ ज़्यादातर जो मरीज़ आपके ओ में मेरे पास आता है वो ज्यादातर बालों के इशू के साथ ही आता है बाद में भी उसे ख्याल आता है कि मैं डॉक्टर साहब को मिलाऊ तो मुझे तो पता लगा स्किन भी होती है इसका भी ख्याल रखना होता है मेरी आंखों के नीचे हल्के हैं कुछ लोगों की बचपन के दाने हैं और एक वो यू नो जब हम बड़े हो रहे थे इवन आई हैड वर्स्ट एवर इशू और मुझे बताया गया था जवानी दाने

और ये चीज़ें शायद मुझे लगता है कि इस फील्ड में खेच के लिए आई है शुरू से आ, मुझे अपना ख्याल रखना अच्छा लगता है आ, मेरे कज़न्स फैमिली मेम्बर्स पुराने दोस्तों से पूछ लें तो तोड़ा हाँ हाँ, हाँ थोड़ा प्रिपेयर लाइक एग्जाम में भी जाना है तो नहा के जाना है बाल ठीक होने चाहिए और मुझे हमेशा से लगता है कि अगर मैं कहीं तैयार होके जाऊँ तो मेरे में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है बजाय इसके कि मैं कम तैयार हो के जाऊँ सो ये चीज़ मुझे आपको बोधर नहीं करती थी जिस तरह

किसने कहा है कि मर्द का मुंह और बाल राट और और एवर आपसे फीमेल ब्यूटी स्टैंडर्ड है ना हाँ। गोरी चिट्टी गलत लंबी, है। पतली। गलत है हाँ। लेकिन एक स्टैंडर्ड है ना हाँ। मैं अभी अगर ताला से पूछू ना की खूबसूरत पाकिस्तानी औरत कैसी लगती है तो कह लंबी होगी दस पॉइंट बताएगा बताएगा एक अच्छी शक्ल का मर्द पाकिस्तानी लगता कैसे है मुझे तो ये भी नहीं पता शायद इस चीज को मैं भी डिफाइन so no right right? अब right. मैं सोचता हूँ mm -hmm. right? uh, mm -hmm. वाला, हाँ, वाला उसके वो एस्थेटिकली किस तरह होना चाहिए फिर और फिर ये चीजें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी तो इस तरह होती जा रही है ना कि जो यंगर जनरेशन है जिस तरह आप कह रहे हैं उनको अब ये बात की समझ है कि यार ये सारी बातें जो मेरी जनरेशन को शायद नहीं समझ आती ये बेवकूफ़ी है राइट अगर आपको एक एक्नी है तो ये एक मेडिकल कंडीशन है मेडिकल कंडीशन यू हैव टू ट्रीट इट बाल गिर रहे हैं गंजे हो रहे हो तो यू हैव टू ट्रीट इट अब अब ये चीज़ कॉन्फिडेंस को भी बहुत अफेक्ट करती है आपके अब मेरा एक मरीज़ है वो एक 23 साल का है और अब जिस एज में मैं आई वुड से कि 23 साल का बच्चा है मरीज मुझे आके कह रहा है कि जी मैं 23 साल का हूँ और मैं देखने में पैंतीस साल का लगता हूँ hmm. और मैं अपनी क्लास की प्रेजेंटेशन में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे लगता है कि अपेरेंटली फिजिकली आई एम नॉट वेरी गुड लुकिंग अब ही वॉज अ गुड लुकिंग चैम्प ही वॉज अ हेल्थी गाय सिर्फ hmm. बाल नहीं है तो कॉन्फिडेंस hmm. नीचे जा रहा है अब इधर आता है रोल एक डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट बंदे का कि उसको सबसे पहले तो एजुकेट करना कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट है कोई चीज़ तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट रही है और अगर वो मेडिकल के रिलेटेड है तो फिक्स इट बाल गिरना इज अ मेडिकल कंडीशन मुंह पे दाने आना इज अ मेडिकल कंडीशन एक सर्टेन टाइप ऑफ पेगमेंटेशन ऑन योर बॉडी इज 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 अ मेडिकल कंडीशन अब अमूमन लोग कहते हैं जी पेशेंटमेंटेशन हमें मैं एग्जाम्पल देता हूँ सो so, मेरे पास एक खातून आई उनके साथ उनके एक भाई थे नॉट अ वेरी ओल्ड गाय और ईयर ओल्ड गाय और वो मेरे साथ बैठे खातून अपने काम के लिए आई है वो मुझे दिखा रही और साथ उनके भाई बैठे हुए हैं hmm. और उनकी सारी कंसल्टेशन पूरी होगी तो मैंने उन्हें कहा कि आप आप कंसल्ट नहीं करना चाहेंगे तो उसने कहा जी नहीं मैं तो नहीं करना चाह चाहूंगा मैं तो सिर्फ इन्हें गाड़ी चला के लेके के आऊँ जो कि हमारी सोसाइटी में भाईयों का और मर्द का काम है यू 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 नो गो विद हाँ exactly. exactly, yeah. uh, तो उसने मैंने कहा आई थिंक आपको मुझे पहले दिखाना चाहिए इससे पहले कि आपकी बहन मुझे पहले दिखाएं बिकॉज उसकी गर्दन की पिगमेंटेशन मुझे बता रही थी कि अगला बंदा कोलेस्ट्रॉल या फिर मे बी डायबिटीज़ प्री डायबिटिक कंडीशन से एक गुजर है जिसे हम शुगर कहते हैं अपनी आ, आम hmm. जुबान में एनी hmm. सर अच्छा आपको कैसे पता है जी of course मुझे आपकी गर्दन की ये जो velvety लेदरी स्किन है मुझे मुझे आपके कॉलर से नजर आ रही है तो so, ये चीज़ें बेसमिस गर्दन काली हो गई है तो ये औरत की हो गई है तो वो भागती जाएगी डॉक्टर के पास कि मुझे मुझे तो जी गोरा दिखना है मुझे तो परफेक्ट दिखना है लेकिन एक मर्द के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि भाई तू काला के सड़ जाई डॉक्टर hmm. के पास ना जाये बिकॉज इसमें तुम्हारी मर्दानगी अफेक्ट हो रही है उधर दो क्रीमे लिख के दे देगा और वो तुम आके अपने बाथरूम में या आप, फिर अपने uh, ड्रेसिंग पे रख लोगे तो पूरा घर या पूरे कजनों का पूरा एक टोला आके तुम्हें मजाक उड़ाएगा मजा कि ये कौन सी क्रीम है रंग गोरा करने वाली क्रीम है? ओ भाई इट्स अ मेडिकल कंडीशन और अगर वो चीज उसको अफेक्ट कर रही है लेट्स फिक्स इट और वो मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल वो लड़का वो आया मेरे पास गंजा लाइक बाल गिर रहे हैं जी मेरा कॉन्फिडेंट नहीं

ओके सो दीज आर मेडिकल टर्म्स आई थिंक वी शुड प्रेफर नॉट यूजिंग मेडिकल टर्म्स ताकि एक आसान आप कुछ मारूसी तौर पे आपके जीन के अंदर ऐसी कोडिंग होती है जो आपको गांजपन की तरफ लेके जाती है सो so, वो गांजपन को हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं एक जैसे एक ये सच है कि आपकी नाना की साइड से बिल्कुल सच है Actually, ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा जीन कि तो अच्छा तो तो है वो ज्यादा किसी हद तक वैसे तो फादर साइड जीन भी डोमिनेट हो सकता है डिपेंड कि कौन सा जीन ज्यादा डोमिनेट है लेकिन हाँ मोस्ट लाइकली मेडिकली इट्स इज प्रूवन के मदर साइड इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल बॉनलेस वो प्रॉब्लम है सो देर सर्टेन थिंग्स फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, पहली बार तो आपकी बात नेचुरल है मेरे बाल नेचुरल यार ओके आया है मैं इसका ख्याल रखा है हाँ, मैं आपको यू यू हैव हेयर थैंक स्टाइलिश है तो मेरा सवाल ये कि नेचुरल बात मेरे नाना गंजे थे yeah, <laughs> <laughs> माम में देयर इज अ न्यू डेफिनेशन टू वेल बाय तो देसी टोटके ये बताए जाते हैं कि अगर टोपी पहनेगा तो गंजा हो जाएगा एक हाँ, नहीं, कैप पहनते हैं तो गंजे हो जाते हैं मुझे ये भी सुनाया जाता है कि यार अगर हफ्ते में तीन दफा तेल लगाएगा पता नहीं सरसों का तेल थे पता नहीं डिपेंड करता है ना कि क्या तुम्हारी बॉडी

हाँ फोलिकल है ना फोलिकल इन्फेक्ट आके उसे कह दिया कि फोलिकोलाइटिस है सो स्किन ऑयली है जो कि मेरे हाल में सेवेंटी परसेंट ऑफ पाकिस्तान की स्किन ऑयली है तो स्किन इतना ऑयल प्रोड्यूस कर रही है कि तुम्हें शायद ऊपर और ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है तो स्किन so, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वॉश इट ऑफ और वह दोबारा ऑयल प्रोड्यूस करेगी लेकिन कुछ लोगों की स्कैल कंडीशन ऐसी है ड्राइनेस है और आप उस पर ऑयल लगाएं ऑयल ऑयल इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी एंड देर ऑयल टाइप्स अगर मैं हूँ बच्चा हूँ मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ हाँ, 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 हाँ. एक तो आई डों मेरा सर का स्कैल्प का टाइप क्या है दूसरा ये है कि हाउ डज वन नो ओके आप मेरे सामने बैठे हो हाँ। मैं बोलूंगा अच्छा स्किन टाइप और स्कैल्प टाइप को डिफाइन करने की कि क्या तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे नाक के इधर ऑयल बनता है जैसे मेरा अभी मैंने उंगली लगाई है तो एक खास किस्म का ऑयल बनता है क्या माथे पे ऑयल बनता है तो ये टी बन गया ना ये टी ये टी है तो हम कहेंगे अच्छा ये टी जोन ऑयली है

कौन एक सर्टन ऑयल्स हैं जैसे आई हैव ऑयली स्कैल्प और मेरे पेशेंट्स की ऑयली स्कैल्प है और मैं उन्हें कहता तो क्या था जी तेल बिल्कुल नहीं लगा सकते हाँ सरसों का नहीं लगा सकते कोकोनट लगा सकते हो उसमें ड्राइंग नेचर है वो एक आपके पी भी बैलेंस करता है और एक एक लाइट मॉइस्चर सा भी देता है अच्छा और एक और इसी से आते हैं हेयर प्रोडक्ट्स पे ठीक है हाँ, हाँ। अब ये बताया जाता है कि यार हेयर प्रोडक्ट्स ना लगाओ गंजी हो जाओगे गंजी हो जाओगे अब मेरा मसला ये मेरे जिस तरह ना सही इस तरह अभी आप नहीं देख सकते इसमें जेल लगी हुई लेकिन बहुत सिल्की से ठीक है अच्छा, वो लिटरली इस तरह बैठ के ना मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू बहुत बुरे लगते हैं राइट ओके तो मैं जल्द लगानी है अब मैं जो भी मुझे ये कहते हैं गंजे हो उनके तो याद नहीं लगाओ जब तक बाल हैं तो लगा दे पहली बात दूसरा मसला ये है कि हमें बताया जाता है यार फिर ना कोई बकवास ही चीज़ न लगाना मैं आपको पता किस तरह जेल ख़रीदता हूँ मैं शाइन जाता हूँ बोलता हूँ सबसे महंगी वाली कौन सी है? यार, इस इस <laughs> वो कहती है ये वाली मैं कहता इससे गंजा होंगे कहती है कन्फर्म नहीं होंगे मतलब हमें क्या पता है शायन सबसे पहली बात जेल इट्स इतनी बुरी चीज नहीं है उसको इस्तेमाल करने का तरीका गलत है हम क्या लड़के करते हैं जेल लगाई सो गए दो दिन वही वो अच्छी हो रही है कंगी अच्छी हो रही है तीन दिन वही जेल लगाते रहे जेल ने क्या किया जेल का जो स्टिकी मटेरियल था वो आपके स्कैल्प में जाके बैठ गया उसने एक सर्टेन टाइप ऑफ लेयर बना ली वो जो आपके बाल निकल रहे हैं फॉलिकल्स निकल रहे हैं वो फॉलिकल के अंदर जाके फंस गया उसने आपकी हेयर ग्रोथ को ब्लॉक कर दिया सो ये जेल इसलिए बुरी है जेल लगाना बुरी बात नहीं है लगा ली है पहले बाल दो अच्छे से उन्हें हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम लगा के उसको उसको ब्लो ड्राई करो अपनी जेल को लगाओ सीरम क्या होता है ओके सो बेसिकली हमारे जो बाल हैं ये हीट से अफेक्ट होते हैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल हेयर आयरनिंग हो या फिर हम इसको ब्लोड्रा करें तो हाँ, ये बात कि अगर हाँ तो उसको हेयर प्रोटेक्शन लगाओगे तो वो उसका जो स्ट्रक्चर uh, है बाल का वो नहीं टूटेगा सो so, हम लेस कम बैक टू जेल तो जेल लगा लिया तो भाई फंक्शन से आ गए हो या घर पे आ गए हो तो वो जो सर पे तुमने केमिकल तुम मुंह धोते हो ना घर mm -hmm. जाके रात को सोने से पहले इसी तरह बाल भी धो दो, दो ताकि वो जो प्रोडक्ट लगी है वो तुम्हारी स्कैल पे जाके ना बैठे ग्रीसी ना बनाए इन्फेक्शन एंड क्या क्या वो कर सकती है सो यूज़ प्रोडक्ट एंड देन वॉश इट अब हम मींस मीन्स आई आई गो टू फंक्शंस और वेल आई अवॉइड हेयर प्रोडक्ट्स यू वट बिलीव इस टाइम पे भी मैंने अपने सर में कोकोनट ऑयल लगाया हुआ है सर इस एक्चुअली कोकोनट ऑयल या इस एक्चुअली कोकोनट ऑयल लेकिन आपने कोई वो स्टाइलिंग कैसे हो सकता है इम्पॉसिबल हाँ मैंने मैंने बाल धोए और फिर मैंने हेयर प्रोटेक्शन सीरम लगाया और मैंने एक सर्टन डायरेक्शन में ब्लो ड्राई किया, किया कि मेरे बालों को कितना टाइम लगा था बाल बनाने में यू डोंट बिलीव टू मिनट्स में बी जितना पढ़ रहाँ मैं जितना लिख रहा हूँ जितनी पब्लिकेशन आप काम कर रहा हूँ मुझे ये समझ आ गई है की वी हैव टू गो बैक टू ने साफ होना चाहिए हुँ हुँ आ, एक नेचुरल सोर्स से हो तो केमिकल बेस्ड भी क्लिनजिंग काफ़ी होती है पानी की खाना खा रहे हो ट्राई मीस देयर आर सो मेनी ऑप्शन बिलीव इन इस्लामाबाद लाहौर कराची हर जगह आपकी डाइट से आपके बाल गिरते हैं बिल्कुल डाइट डाइट इज एवरी थिंग डाइट इज एवरी आप सिगरेट पिए तो आपके बाल गिरते हैं वेल सिगरेट तो वो हमारे मेडिकल स्कूल में ना एक वो एम होते थे ना तो हमारे जो लेक्चर थे वो मैं कहते थे कुछ समझना ना आ रही हो तो स्मोकिंग लिखा हो ना नीचे हाँ, के तिक तिक जब जबल, हार्ट इस, आ, से होता है की कसम। स्मोकिंग लिखा स्मोकिंग सो मैं ये नहीं कहूंगा कि हां सिगरेट ही एक واحد वजह है आपके बाल गिरने की लेकिन हां सिगरेट बिल्कुल मतलब कोई कोई ऐसे खाने हैं जो आपकी डाइट जो आपकी डाइट में अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे हो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सो बेसिकली हेयर जो बाल होते हैं हमारे वो फॉलिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंड uh, करते हैं सो so, मैं कहूँगा कि खाना खाना और फिर लगाने के प्रोडक्ट्स इक्वली मैटर uh, करते हैं इस पूरी सिचुएशन में ओमेगा कि थ्री खा रहे हो आप बायोटेन सप्लीमेंट्स ले रहे हो एक सर्टेन काइंड ऑफ kind डाइट of जिसमें तुम्हें बायोटेन या ओमेगा थ्री बायोटेन किस तरह के खानों में होता है बायोटेन या ओमेगा थ्री किस तरह के खानों यू कैन लेट से मैं वो सप्लीमेंट नहीं ले रहा हाँ और अभी आपकी जिस तरह का नेचुरली मैंने बात नेचुरली खाना है बहुत सारी बैरीज खानी पड़ेंगी ठीक है और बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स खाने पड़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है जिस तरह बेरीज और एंटी ऑक्सीडेंट हमारे मुल्क में शतूत एक एंटी ऑक्सीडेंट है।, है आम कम कम पैसों में मिल जाता है और आई थिंक हमारे मुल्क की प्रोडक्ट नहीं है रेड बेरीज एंड ब्लैक बेरीज आई थिंक दे आर टू एक्सपेंसिव इन दिस कंट्री सो आई थिंक वन शुड स्टिक टू चीपर ऑप्शन ना देट वी हैविंगनॉमिकल इशू एज सो आई थिंक वो है और प्रोडक्ट जो शैम्पू लगा रहे हो ना और जो सर पे तुम लगा रहे हो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या उसमें कौन कौन सा केमिकल है पैराबिनस हैं कि नहीं है मुझे पैराबिन वाला शैम्पू नहीं इस्तेमाल पैराबिन के पैराबिन इज अ केमिकल वैल देन इट विल अ वे इट्स अ लॉन्ग मेडिकल मेडिकल डिस्कशन आई थिंक वी शुड कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो बहुत सारे शैम्पू मार्केट में आए हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज इट्स नॉट हम किसी ब्रांड को तो एडवर्टाइज नहीं करें बट या मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ जिसमें बहुत कम केमिकल्स हैं एंड आई मस्ट से दे आर सर्टन अमाउंट ऑफ मेडिकेटेड शैम्पूस जिनमें केमिकल परसेंटेज कम है जो आपके फोलिकल को कम डैमेज करते हैं ठीक है so, जितना फोलिकल को कम छेड़ोगे और एक अच्छी खुराक तुम खा रहे हो उतना ही अच्छा इकबाल निकलेगा लेकिन दन नगैन चयन आई अल बी शुगर कोटिंग दिस होल डाइट एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ जब ज, जीन इन्वॉल्व है तो, तो है, तो है तो वो पूरे की पूरी बॉडी तुम्हारी तरफ लगी होगी लेकिन क्या उसके लिए सोल्यूशन है हमारे पास हाँ हमारे पास सोल्यूशन अच्छा इस, इस पर मैंने आने के एक दफ़ा हाँ। गिर गया तो क्या करना है हाँ। सवाल ये है हाँ। जो मैंने नोटिस किया लोगों के ना अर्ली ट्वेंटीज में या लेट टीन्स अर्ली ट्वेंटी से या एक पैच जाते हैं लोगों के बॉल बाल गिरते हैं फिर एक मिड टू फोर्ट अब मैं ये जिस है, मैं नहीं आ, हैं। मुझे नहीं पता है लेकिन okay. कर ये स्टेप है, है, है।, है।, हाँ। है उस बीमारी का जिसको मेल पैटर्न बोलनेस कहते हैं उसको उस, उसकी एक तरतीब है बाल गिराने की तो सबसे पहले एक लड़के की जो हेयर लाइन है वो रिसीड करनी शुरू हो जाएगी पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी फिर इधर से जैसे हम आम जबान में हमारे मेरे पास पेशेंट आते हैं मैंने भी ये टर्मिनोलॉजी बड़ी लेट सीखी है वो कहते हैं चांद निकल है सो so, ये जो पीछे से फिर तो चांद निकलता है so, तो ये जो पीछे से क्राउन एरिया आपका बॉल्ड होना स्टार्ट होता है तो फिर ये दोनों मिलना स्टार्ट होते हैं फिर ये जो बीच का एरिया इस पर बॉर्डना स्टार्ट होती है सो so, हमारी एथनिकसटी में ये आ, जो आपका फ्रंटल है ये तकरीबन अर्ली ट्वेंटी लेट ट्वेंटीज़ डिपेंड जीन पे भी यहाँ अपने अपना कितना ख्याल रख रहे हो तो ये पीछे रसीड करनी शुरू हो जाती है तो पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो उनके बाल इसी तरह उड़े होते हैं आगे से तो हम हम कहते हैं उन्हें कि अच्छा आई थिंक इट्स अ मेल पेटल बॉर्नेस एंड यू कैन क्योर मसलन मैं उन्हें हमेशा एक सच्ची बात बताता हूँ कि जीन कह रही है कि तुम गंजे हो गए तो भाई तुम गंजे हो गए लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इससे

नाउ दैट यू आर टेलिंग गिविंग मी योर एग्ज़ाम्पल सो मैं कहूँगा यार तुम्हारा कैमरे के आगे काम है तो आई थिंक तुम्हारी जो प्रोफाइल एक बंदा पहचान गया ना mm -hmm. कि शायन ऐसा लगता है mm -hmm. तो शायन को कम से कम अगले दस साल ना ऐसा ही अपने आप को रिटेन करना चाहिए मैंटेनेंस चाहिए सो मैं कहूँगा कि शायन खुदा ना नास्ता अगर आगे से बॉलनेस हो रही है सो आगे के बालों को अभी से ट्रांसप्लांट कर लो अब दो चीज़ें mm -hmm. जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो आपका हमेशा आपके साथ रहता है

आई थिंक हर डॉक्टर चाहता है कि उसका 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 ट्रांसप्लांट बेहतर हो लेकिन ओके okay, जब आप हेड बाल गिर रहे हैं तो आप उधर हेड ट्रांसप्लांट करते हैं तो पुराना फोलिकल भी उधर पड़ा हुआ है hmm. और आप अपना नया वाला फोलिकल उधर बना के उधर आपने बाल लगा दिए अब जो पुराना फोलिकल है वो गिरने के लिए उधर पड़ा हुआ है hmm. जो हम नया फोलिकल लगा रहे हैं वो उधर ता हयात आखिर तक रहेगा Hmm. के चलो फाइव परसेंट शेडिंग होती है ट्रांसप्लांट की लेकिन मोस्टली जो हम बाल ट्रांसप्लांट पे लगाते हैं वो उधर लगे रहते हैं टिल योर डेथ पेड अच्छा हाँ जो बीच के वो फिलिंग्स थे ना जो तुम्हारे पुराने अपने पड़े हुए थे वो शेड करते हैं तो बंदा कहता है चाहिए तो यह जी बाल हम तो दोबारा से अंदर से गांच पर नजर आना शुरू हो गया ओके देन दिस इज व्हाट वी कॉल कि नॉट ओनली वन ट्रांसप्लांट इज ट्रांसप्ल्टज फॉर फॉर अ पेशेंट वन शुड हैव शुड कंसिडर एटलीस्ट थ्री ट्रांसप्लांट एक लेट ट्वेंटीज में करा लें एक लेट थर्टीज मिड थर्टीज में करा ले एक अर्ली फोर्टीज में करा लें कैसे यार है तो इशू माना हुँ, हुँ. आ, बालों का भी स्किन का भी अगर मैं वो कहूँ कि यार जैसे आपको अल्लाह ने बनाया है तो बनाया है हुँ, और हुँ, ये सारी चीज़ें यू नो you know, हमारे कल्चर में दिस इज अ फैक्टर आप, आप इसको कह लें जैसे भी है एक फैक्टर ये है कि देखें इज एस्थेटिक चेंजेज islamically correct hmm. what do you think yeah i think there is a um, there's a new definition to uh, aging gracefully Hmm. एक है ना हमारे माशरे में एक बात है जी बस उम्र हो रही है hmm. बाल सफेद हो गया उम्र हो रही है हाँ ठीक है हो रही है मुंह पे जुड़ी आ रही उम्र हो रही है बहुत अच्छी बात है मेरी अम्मा है मैं उन्हें कह रहा था कि आ, आप करा लें ये मैं, आ, मैं आपका बेटा हूँ और मैं ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो मुझे कह रही होती कि मेरे मुँह पे जितनी जुड़ी है ना ये मेरी जिंदगी की सारी कहानियाँ एक्सप्लेन करती हैं सो एक कॉन्सेप्ट है बट देन देर इज़ अ न्यू डेफिनेशन टू एजिंग नाउ अपना ख्याल रखना हमारा तो इस्लाम कहता है ना कि सफ़ाई निसफ मान है सो hmm. so, क्या मुंह धोना सफाई नहीं है hmm. क्या जो हम आगे स्कैल्प की बात कर रहे थे वो सफाई नहीं है क्या अपने जिस्म का ख्याल रखना सफाई नहीं है सो so, अगर आप इस बात को इस तरह लें कि अल्लाह मियाँ ने तुम्हें एक अच्छा हटा कटा जिसम दिया है वह नियमत है ना hmm. तो अल्लाह की नियमत का शुक्र अदा नहीं करना वजह से मैं एजिंग पे सारी बात उस घोड़े पर डाल के मैं कहूँ जी आई एम गेनिंग वेट आई एम लूजिंग हेयर आई एम हैविंग पिगमेंटेशन पूरा मुंह मेरा लटक रहा है आंखें मेरी जुड़ियों से भर के मेरी मैं बुक रीड भी नहीं कर सकता हूँ तो मैं बोलूँ कि अच्छा नहीं दिस इज़ इस अन इस्लामिक नो सो आई थिंक टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ आई थिंक इट्स इट्स ऑल क्वाइट इम्पॉर्टेंट रिलीजसली एंड दुनिया में रहने के लिए और ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ये स्टिगमाज बहुत सारे हैं इंडियन और बहुत मुश्किल है स्पेशली मर्दों के लिए विच इस व्हाई मैं आपसे काफी था यार मर्दों के लिए फोकस इसलिए हाँ। क्योंकि ये बड़ी एक हाँ। टैबू टॉपिक है मेरा अगला सवाल ये अगर आप मर्दों में तो ये लेस कॉमन होगा तो वो एक बहुत ऑलमोस्ट डेस्परेट टाइम पे आते हैं ना उनकी हाँ। तो जब

एक इंडस्ट्री बन चुकी है ना लेकिन शायन उनमें भी बहुत मजबूरी है अब मेरी एक पेशेंट है मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ वेरी नाइस गर्ल एंड अ पीएचडी वेरी वेरी स्टूडियस बड़ी अच्छी बच्ची शी शी के मेरी को पिछले पाँच साल से वो पेशेंट है तो वो मेरे पास आई है तो उससे एक बीमारी है एलोपेशिया के नाम से उसमें इसका क्या मतलब एलोपेशिया मतलब जी एक्सप्लेन करता हूँ उसमें उसके जिसम पे बाल ही नहीं हैं उसके आईब्रोज नहीं है उसके आईलैशेस नहीं है उसके पलोजीस सब है और उसके ये खोता क्यों है वेल इट्स अ साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है लेकिन कुछ बीमारियां उनको बिल्कुल ही किताब में लिख दिया गया है कि ये एडियोपैथिक हैं कि इनका कोई कॉज नहीं पता और इनका कोई अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है अच्छा सो so, उस उस बच्ची के साथ वो एक बीमारी है जो उसके पूरे जिसम पे और उसके सर पे बाल नहीं लेकिन एक आ, मेरे आने से मेरे पास आने से पहले एक वो और डॉक्टर साहबा के पास जा रही थी और उनके सर पे किसी हद तक बाल आ गए थे बट एक एक पढ़ी लिखी बच्ची एक उसे पता है कि मैं एक एक साउथ एशियन या फिर वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरी नहीं उतरती और वो मेरे सामने आके कह रही है कि दिस इज़ ना इशू एंड आई वॉन्ट यू टू फिक्स इट उस टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मसलन सारी बातें साइड पे कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ये हैं और नहीं हमें खूबसूरती को नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए मैंने अपने आप से पूछा कि क्या एक कॉमन बंदा इस लड़की को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा उस सबसे पहले वो जब वो पीएचडी कर ले वो कितनी अच्छी फैमिली से हो सबसे पहले उसे इसकी इसी चीज़ को ना पोक किया जाएगा सो so, आई वॉज लक्की एन ऑफ आई बीन ट्रेंड बाय यूरोपियन सोसाइटी ऑफ डर्माटोलॉजी हमारी एक प्रोडक्ट है हमारी नहीं मिलता इसे स्पेनिश प्रोडक्ट हम इसे बायोफाइबर के नाम से कहते हैं इससे मैं लास्ट रिजॉर्ट रखता हूँ जब कुछ नहीं लग रहा होता तो फिर ये लग रहा होता है hmm. उसमें क्या होता है कि आपके बालों का सैंपल लेके हम एक बाहर के स्पेन में उनकी लेबॉर्ट्री है उधर हम भेज देते हैं वो उसी की तरह के एग्जैक्ट बाल हज़ार लेना है दो हज़ार लेना है तीन हज़ार लेना है वो लेके आपको पाकिस्तान में भेज देते हैं एंड देन देर आर सर्टिफाइड ट्रेनर्स अनफॉर्चुनेटली देर वेरी फ्यू इन पाकिस्तान एंड आई हैव बीन अंडर दैम सो मैंने उस बच्ची के मेडिकली uh, उसका ये है कि पाँच पाँच करके आपने बाल लगाने पहले तो आप पेशेंट को मैंने कौंसिल किया कि ठीक है तुम विग लगा लो तुम ये कर लो दस उसने कहा जी नहीं मैंने इसकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी कॉन्फिडेंस के साथ अफेक्ट किया बट आई वॉन्ट दिस टू बी ओवर लाइक मैं इसको hmm. ख़त्म करना चाह रही हूँ एनामत से ग्रेटफुल आई कहते हैं ना एक अल्लाह वसीला बनाता है मैं उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का वसीला बना hmm. अब उसमें स्किल्स तो मेरी लगी लेकिन नाउ शी इज सो हैप्पी एंड uh, उसका मेडिकल वॉच बड़ा रखना पड़ता है सो आई हैड मेडिकल बोर्ड ऑन मेडिकल पर्सन ऑन बोर्ड हुज़ वॉचिंग के क्योंकि एक एक्स्ट्रा है ना बाइक की एक चीज़ आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो एक फॉरन बॉडी जा रही है सो so उसको ले के एंड नाव शी इज़ वेरी हैप्पी मुझे नहीं लगता कि मैरेज इज़ अ सक्सेस स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान बट ना दैट शी इज़ मैरिड जस्ट बिकॉज की ये उसकी रिकावट रुकी हुई थी तो मैं उसे भी बल्कि आप पता है इस पॉडकास्ट hmm. से पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि वो रिश्ते वाले जो कि hmm. आपकी अपेरेंट्स को देख के रिश्ता करें उधर रिश्ता ही नहीं करना चाहिए hmm. तो ये बात मैंने उस बच्ची को भी बताई थी कि बच्चा जो आपकी इस चीज़ को देख रहे हैं और आपकी आपके एक्डेमिक्स को और आपकी जनरली अ वेरी नाइस गर्ल कि उसको नहीं देख रहे उधर आपको रिश्ता ही नहीं करना चाहिए लेकिन आई थिंक इट वाज मोर अबाउट हर ओन कॉन्फिडेंस एज वेल एंड शी शी इज़ वेरी हैप्पी सो ये नहीं कि सिर्फ मजबूरियाँ ऑफकोर्स मेरी प्रैक्टिस है जिसमें हम फिलर्स uh, करते हैं बोटॉक्स करते हैं फेस लिफ्ट करते हैं बॉडी कंट्रोलिंग करते हैं सब कुछ करते हैं बट फिर हम ये भी करते हैं जिसमें किसी की ज़िंदगी चेंज होती है और आपको खुशी होती है आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ और ये तो बड़ी खूबसूरत बात है और एक एक जेन्यून केस होता है हाँ, आ, मैं हाँ। हाँ। आपको मिसाल दूँ फजीलाबासी बॉड पॉडकास्ट उन्होंने मुझे बताया था बॉड एन एसिड बर्न जो उनके पास आई थी राइट नाउ दैट्स एन एस्थेटिक इशू बट इट्स इट्सो सब इस, उसकी जिंदगी का सब लोग होते हैं इस oh तरह की चीज़ें होती हैं, oh yes. हैं। oh yes. लेकिन अब मैं आपको फ्लिप साइड पर ले जाता हूँ बोटॉक्स hmm. uh, की आपने बात की बाकी सारी चीज़ें की बात की एक औरतों में भी मर्दों में भी जब आप इस दुनिया में आ जाते हैं एज अ पेशेंट मैं बात करूँ नॉट एज अ डॉक्टर ऑलमोस्ट एक ऑब्सेशन आ जाता है राइट right? अगर आप आप टू द जिम दर टू द जिम शायद मेरी तरह या आपकी तरह जो कैजुअली जिम चला गया

अपने बाल ठीक कर लिए फिर मैंने अपनी ये हल्के ठीक कर लिए फिर मैंने कहा यार नाक थोड़ी लंबी है ये ठीक कर ली, फिर पेट अंदर कर लिया जो भी wherever you go this, right? आप इस चीज को कैसे रोक सकते हैं कि ये चीज एक चीज है मैंटोरी एक चीज है आपकी कॉन्फिडेंस के लिए फिर एक और चीज है कि आप अब एक कंपल्सिव दुनिया में जा रहे हो राइट right? तो देखिए स्पेशली जो आपने बात की थी ना कि यार एजिंग है दो किस्म के लोग एज करते हैं एक हु एक्सेप्टेड टू अर्ली लाइक वो कहते हैं मैं तो हुई बुढ़ा शादी होगी पेट निकाल था तो शादी होगी तो, था तो था 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 हो मेरे बच्चे हैं राइट अब क्या फर्क पड़ता है ठीक है यहाँ एक और एक्सट्रीम है जो माशाल्लाह अब उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बीबी सत्तर साल की आप हो गई हैं ठीक है कितनी और बोटॉक्स करनी है कितने और आपने आठ साल की यू नो रिवर्स मारना है

वो वाले मतलब नहीं। के वो उनका हर एक इंसान के एक सर्टेन टाइप प्रोसीजर सूट करता है, अब हर कोई अब मैं क्योंकि मेरा मेरी, मेरी नाक शायन जैसी हो जाए नहीं, नहीं वो शायन की नाक मेरी नाक अपनी है बस हर किसी का एक अपना एक तरीका है सो आई थिंक काउंसलिंग पेशेंट मरीज आपके पास आया तो उससे पहले भी मना करते हैं कि मैं करूंगा ओह बहुत दफ़ा मनी टाइम्स मनी टाइम्स और लेकिन हमारा मना करने का एक तरीका भी होता है ना मैं उसे मना कर दूंगा दरवाज़ा निकलेगी मेरे क्लिनिक से एक दूसरे क्लिनिक में लैंड करेगी और उधर शायद एक खातून या एक मर्द उनका वो ट्रीटमेंट कर दे ये हाँ नहीं आई विल काउंसिल और हेम कि क्यों मैं उसे कह रहा हूँ कि ये चीज उसके लिए जरूरी नहीं है नहीं। ये मेरे लिए जरूरी है उसे मैं कहूँ कि तुम्हारी फेस पे ये सूट नहीं करेगा यहाँ भाई देखो फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट फिलर फिलर की एक सर्टन लिमिट है ना वो तुमने पूरा का पूरा ऑर्गन और उसका ब्लड सप्लाई तो कंप्रेस नहीं कर देना एक लिमिट है ना मसलन कोई दस एम तो नहीं डाल दोगे ना बीस तो नहीं डाल दोगे ना मैं वन टू ही डालोगे ना और डलना भी उतना ही चाहिए मेरे ख्याल में और बोटॉक्स की भी बात आ गई मसलन देर इज़ अ लिमिट टू बोटॉक्स अब आई हैव सीन फ्रीज फेसिस आई हैव सीन एक्सप्रेशन लेस फेसिस वाई मेरे पास एक एक्टर एक एक आए थे कुछ दिन पहले एंड लाइक डॉक्टर साहब ये मेरे साथ हुआ बैंक यू डॉक्टर एंड मेरा शूट है और मेरा mm -hmm. रोने का सीन है और मुझे डायरेक्टर कह रहे हैं रो मैं रो ही नहीं सकता क्यों बिकॉज वो इतना बोटॉक्स लग गया है कि वो रोने वाला सीन भी mm -hmm. और हंसने वाला सीन और एक यू आर जस्ट

फ्रीज करके डेड कर, कर दिया जाए और वो उसी प्रोसेस में वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए डेड होने के बाद ठीक है और इसी तरह मसल बिल्डिंग की कुछ मशीनें हैं सो so, हाँ इस तरह की कुछ हेल्प्स हैं कि जो आप ले सकते हैं लेकिन देन अगेन मैं सबसे पहले अपने आने वाले पेशेंट को काउंसल करूँगा कि क्यों चाहिए अब एक इंतहाई बीस बंदा मेरे पास आ रहा है मर्द और मुझे आके कह रहा है कि मुझे जी एक सर्टन मशीन पे सिक्स पैक्स चाहिए वो मशीन सिक्स पैक देती है बट साहब आपको नहीं वो देती आपको पहले ये सारी चर्बी एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू उतरवानी पड़ेगी या शायद वो प्रोसेस एक सर्जन कर सके या डाइट कर सकें आप और फिर अगर आपका 19 20 है वो मैं फिक्स कर सकता हूं लेकिन ना मुझे कहेंगे बिल्कुल इधर से मैं आपको इधर और साहब अगर 500 पाउंड के हो और आप मुझे सिक्स पैक दे रहे हैं तो और शायद डॉक्टर जादूगर नहीं है वी आर जस्ट डॉक्टर्स एंड ह्यूमन बींगस वी 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 आर हेयर टू हेल्प पेशेंट्स लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये बना दें जी मुझे एंजलिना जूली के लिप्स दे दें और मुझे किम वाला ये फेस शेप दे दें भाई नहीं ऐसा नहीं होता यू हैव योर ऑन फेस टाइप एंड देव दॉन फेस टाइप अच्छा मैंने दो और सवाल हैं आप तो बहुत सारे लोग सारे, no, name हाँ, मेरे सवाल ये है हाँ, बहुत सारी औरतें कहती हैं कि मैंने किम कार्डेशियन की तरह लगना हाँ, हाँ, लग, है जोली की ये बड़ा कॉमन है ये मैं कभी तो नहीं लेकिन मुझे भी ओए, बहुत, मर्द आके हाँ, आपसे किस तरह लगना चाहते हैं आई एम क्यूरियस टू नो कि क्या बंदे होंगे

और लंबी कर देंगे थोड़ी सी लम्बी कर देंगे हाँ उससे क्या होता हाँ। है ये जो डबल चीन होती है ना ये काफी हद तक छुप जाती है और आपका फेस प्रोफाइल बेहतर हो जाता है अगर आपकी चीन लंबी हो हाँ थोड़ी सी लंबी हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। और फिर नाक का अच्छा। it's very common हाँ. i just uh, just we are together ki bas ki naak de do ya apni fawaat ki hamza is bas ki skin ke bare mein puchta hai acha mai kehta yes हाँ. uske bare mein puche gaya yes very nice skin mai ke of course matlab kahin na kahin to fayda hoga naak ka jaise hum subcontinent mein na like even ki meri bhi ye thodi si ye bridge wali nose hai to uska hota hai so yeah we we have solutions for that i just came back from europe like 3 days back and i'm going to dc after 2 days so उनने एक ऐसी चीज़ निकाल ली है कि अब पूरी राइनोप्लास्टी में जंप करने की जरूरत नहीं है इसका क्या देरे, मतलब? ओके सो okay, so राइनोप्लास्टी नाक को ठीक करने की एक पूरी सर्जरी है जिसमें आपको बेहोश करके नाक को तराश के ठीक किया जाता जौब है नोज नोज नोस जॉब हाँ हाँ, हाँ, हाँ. लेकिन अब उसके भी आ, और हल आ गए हैं उसमें एक थ्रेड आ गया है जो एक टिप को लिफ्ट कर सकता है और एक ये जो हम आया बीच में इसको फिल करने के लिए फिलर्स आ सकते हैं सो मेल ज्यादातर दे आर कंसर्न अबाउट देयर अंडर आइज काम करते हैं हमारी सोसाइटी में वो जो अंडर के ये जो नीचे हलके? के है? गड़े और गड़े ये, ये? वो जो डेप्थ है अंडर आई हाँ.

क्या मैं, मैं नो नो घंटे सोता हूँ मेरे भाई शायार मैं, शायार मैं, मैं पैदा हुआ था मेरे ये थे so so, वो वो होगा इस इस लेकिन इसका बड़ा एक सिंपल सा है कि अगर आपके आंखों के नीचे हल्के हैं तो आप उनको पकड़े और आप ऊपर देखें क्या स्किन काली है कि गढ़े डेप्थ की वजह से शेडिंग की वजह से वो काले लग रहे हैं स्किन काली है तो स्किन लाइटनिंग जो पिगमेंटेशन को ख़त्म करने की लेजर्स हैं या फिर टॉपिकल क्रीम्स हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएंगे और हाँ अगर गड़े हैं ठीक है हम सब ज्यादातर हमारे एरिया में पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश ये, ये सब एरिया में लोगों की आंखें मोटी मोटी लगती हैं और ये ये गढ़े होते हैं और अगर आपको बॉडर करें थे थे तो देर मल्टीपल टू फिक्स कॉलेज प्रोड्यूस हो सकता है एसिड फिलर्स हो सकते हैं सो हमारे जिसम का वो हिस्सा है जो हमारे ओके okay, बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं तो जो हमें जवान रखता है उसमें एक चीज़ कॉलेज अच्छा अच्छा चले ये तो अब बहुत टेक्निकल हो जाएगा तो मैं आपके लिए टाइम भी कम है तो वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं हमेशा सोचता हूँ ब्यूटी स्टैंडर्ड दुनिया में एक जैसे होते हैं या पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल गोरा चिट्टा हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम गोरों के गुलाम थे हम क्योंकि मेरा <laughs> मेर, मेर सवाल ये <laughs> ना कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब क्योंकि दुनिया की थी कि हम गोरा बनना चाहते हैं क्योंकि मैं फॉर एग्जाम्पल अपने गोरे दोस्तों से हमेशा बहस करता था उनके मुझे कह सकते हो कि नहीं ले, ये <laughs> है लेकिन हमें ये कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि हम उनके गुलाम थे yeah, yeah,

वी व गंग एक एजियन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ द नेम एक एजियन कंट्री जहाँ पे लोग एजियन mm -hmm. मसा के वो छोटी आंखों वाले जो एजेंस mm -hmm. वो लगते हैं वो mm -hmm. तो हम हम दोनों जा रहे थे और वो एक अफ्रीकन uh, कंट्री एक गाना से है सो आई हैम फ्राम लास्ट प्रॉबली थ्री फोर ईयर्स मुझे नहीं पता अब mm -hmm. वो काम कहाँ mm -hmm. पर है बट प्रॉबली ही इज़ इन स्टेट्स सो so, वो मैं जा रहे थे और एक भागता हुआ एक बंदा आया इतना पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था मेरे को स्ट्रीट वेंडर टाइप होगा और उसने उसके मुंह पे हाथ लगाया hmm. उसने ऐसे करके उसने देखा है और वो फिर चला गया hmm. और हमारे साथ जो हमारा गाइड था उसने कहा है कि उसने अपनी जुबान में बोला है कि क्या ये पॉलिश थी कि एक इंसान के स्किन का कलर ये है सो ये चीज़ें हर कंट्री का ब्यूटी स्टैंडर्ड डिफरेंस है लेकिन गोरापन में क्या है गोरापन ओके okay. दो इसके दो जवाब हैं एक तो इंटरनेशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या मुल्क के लिहाज से डिफरेंट है उसका हम बाद में जवाब देते हैं मैंने जितना पढ़ा है हर एक इंसान का एक अपना माइंडसेट होता है बिट स्टूडियस में मेडिसिन भी पढ़ता हूँ तो मैं किताबें भी दूसरी पढ़ता हूँ मुझे लगता है जी साहब बहादुर जो थे ना वो गोरे थे सब कॉन्टिनेट में जब वो आए उन्हें हुकूमत की तो साहब बहादुर थे उन्हीं ने नवाब बनाए उन्हीं ने एक सर्टेन पोस्ट हमारे मुल्क में जो एक निज़ाम चल रहा है किसी हद हाँ तक अभी भी ब्रिटिश कलोनील पुराना वो निज़ाम चल रहा है तो मुझे लगता है वो जो साहब बहादुर का कॉन्सेप्ट था कि वो गोरे हैं तो आप आपको गोरा होना ज़रूरी है या हमारे घर पर पे पे काम जो करते हैं यार मेरे साथ जो मेरा मेरा स्टाफ काम करता है मुझे लगता है कि मैंने एक्चुअली नोटिस किया एक बच्चा मेरे घर पे काम करता है मुझे लगता है कि तीन साल हो गए हैं अब उसे मेरे साथ वो मुझे लगता है कि मेरी तरह ड्रेसिंग करने लग पड़ा है घर पे नहीं लेकिन जब अपने गांव में जाता है वो मेरी तरह के कपड़े पहनता है मैं उसे अपनी शर्ट दे देता हूँ कभी या कभी कोई चीज़ छोटी होगी तो मैंने उसे दे दी तो मैं जब उसकी व्हाट्सएप पे वो देखता हूँ ना उसकी स्टोरीज़ तो मुझे लगता है कि वो शायद किसी हद तक उसके दिमाग में है कि डॉक्टर साहब जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे मैंने गाँव जाके वैसे मैंने अपने वो वाले कपड़े पहने इधर तो बेचारे को काम से फुर्सत नहीं मिलती सो मुझे लगता है कि हमारा भी माइंड सेट हुआ है हमने पूरी दुनिया क्या सुना अमेरिका ब्रिटेन यूरोप सब लोग गोरे थे वहाँ पर Hmm. और हमारे पे हुकूमत भी बड़े साहब बहादुर ने की hmm. और ये आई थिंक ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये हमारे में एक एक जनरेशन से चलता रहा या थर्ड और फोर्थ जनरेशन उससे पहले शायद ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो आई थिंक सो हाँ बाकी पूरी दुनिया में यार हर जगह के ब्यूटी स्टैंडर्ड डिफरेंट हैं एंड के देख लें कम आप hmm. हमारी फील्ड में देख लें आई आई एक्चुअली आई वॉज बुकिंग सेमिनार एंड देव इन्टेड मी एज अ स्पीकर तो मैंने कहा मुझे इधर क्यों बुला रहे हो तो उन्होंने कहा जी ये एशियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं ये हम कॉन्फ्रेंस सिंगापुर hmm. में कर रहे हैं ये वाले कॉन्फ्रेंस हम इंडोनेशिया में कर रहे हैं बिकॉज वहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं आप सब कॉन्टिनेंट वालों के डिफरेंट हैं इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश और ये यूरोपियंस के उनके डिफरेंट हैं अब हम फिलर फिलर बात करें अब यूरोप में चाहे जस्ट केम बैक या लाइक आप आई है ट्रेनिंग प्रोग्राम देर मैं अभी वापस आ रहा हूँ

आई एम सॉरी टू सपर दैर वेरी वाइट उधर धूप ही नहीं निकलती hmm. उधर है इधर नहीं है सो so, उनका स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड डिफरेंट है सो hmm. so, उनकी प्रॉब्लम्स और हमारी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट है सो आई थिंक हर मुल्क का एक अपना ब्यूटी स्टैंडर्ड है लेकिन शायन आखिर में जो बात हम दोनों चाहते हैं कि हमारी कॉमन पब्लिक को जाए वो ये है कि खूबसूरती अंदर से आती है hmm. और कॉन्फिडेंस भी अंदर से ही आना चाहिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं वो हमें नहीं पता किसने बनाया है लेकिन डेफिनेटली किसी बहुत अक्लमंद इंसान ने नहीं बनाए hmm. गोरा अच्छा है या फिर गंजा अच्छा नहीं है ये सब गलत चीज़ें हैं आप अंदर से खुश हैं तो आप बाहर से भी खुश लगेंगे hmm. सो आप इस चीज़ पे फोकस करें और हाँ देन अगैन एज अ डॉक्टर मैं बोलूँगा कि क्या आपको एक चीज़ कर रही है आपके जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए या फिर आ, जैसे हमारे आने से पहले हमारी एक साहब से बात हो रही थी वो mm. कह रहे थे रिश्ते के लिए जाता हूँ तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट यू नो राइट वो चीज़ बग करी है या फिर शीशे के सामने तुम्हें जाते हुए अपना एक डॉट बॉर्डर कराटी ट्वेंटी थ्री अगर mm. एक दवाई बन गई है एक मेडिकल फील्ड आ गई है एक काम हो रहा है डू इट बट मेक श्योर यू गो टू अ राइट प्रैक्टिशनर राइट पर्सन बिकॉज देर आर ब्लंडर्स इन द मार्केट इवन इंटरनेशनली एम नॉट सिंग ओनली पाकिस्तान गो टू अ राइट डॉक्टर राइट पर्सन एंड उधर जा के अपने डॉक्टर को बताओ कि तुम क्या क्या महसूस करते हो